सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उससे भागने की बजाय उसे ठीक करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। मन में रखने से फासले हो जाते हैं। जीवन में हर एक तूफान नुकसान करने ही नहीं आते, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। आज का पंचांग 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 1:55 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 1:57 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:48 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार, आप हंसी मजाक के मूड में हैं। अपनी इस विशेषता को बनाए रखें जो आपको मुश्किल समय में भी चिंता मुक्त रखती है। आप अपनी सक्रिय प्रवृत्ति के कारण एक बिजनेस डील हासिल करने में कामयाब होंगे। कोई आपसे प्रोत्साहन चाहता है, उसके मेंटर बन जाएं। अपनी करीबियों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। मछली खाते हुए सावधान रहें। स्थान परिवर्तन संबंधित कोई योजना है तो आप उससे संबंधित कोई गतिविधि हो सकती है, तो आज उससे संबंधित कोई गतिविधि हो सकती है। आपकी अनुशासन और व्यवस्थित दिनचर्या आपके कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी। पुरानी बातों के बारे में गहराई से विचार करेंगे तो निराशा हो सकती है। जो नए अवसर आपको प्राप्त हुए हैं उन पर ध्यान देने की कोशिश करें। जिन बातों में भावनात्मक रूप से कमजोर हैं वे बातें बदलने लगेगी। परिवार के जिस व्यक्ति से बार बार नकारात्मक अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उनके साथ संबंध बदलते हुए नजर आएंगे। करियर संबंधित बड़ा अवसर मिलेगा, इस कारण प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। रिलेशनशिप संबंधित तकरार जल्दी दूर होगी। गुस्से में आकर कोई भी गलत निर्णय न लें। लो बीपी की समस्या भी बढ़ सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, नकारात्मक मानसिकता के लोगों से एक निश्चित दूरी बनाकर रखें, वरना आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने में ज्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच कुछ तनाव जनक स्थिति रहेगी जिसका असर परिवार पर भी पड़ेगा, इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिज्ञ महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपनी रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित पड़ी हुई शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे जिससे कि आपका रिश्ता और मजबूत होगा। बात करते हैं करियर की। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपनी निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी निवेश को दोबारा परखें और जहाँ जरूरत हो उसमें बदलाव लाएं, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार ना जाने दें। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन अच्छा है। बिजनेस में इस समय बहुत कंपटीशन हो सकता है। कुछ लोग आपके लिए षष्ठ यंत्र का नकारात्मक योजनाएं बना सकते हैं। सावधान रहें, नौकरी में भी ऑफिस के माहौल में ऐसी ही स्थितियां रहेगी। बात करते हैं सेहत की। शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ सकती है, अपना उचित इलाज लेना आवश्यक है। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रही हैं। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी लचीली है,
और इसी प्रकार आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है। आपको अपने खान पान की आदतें सुधारनी होगी। असल में आज अपनी खाने में लंबे समय तक के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। आज का उपाय, आज अब गरीबों को गेहूं के आटे का दान करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।